बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट, आप भाई साथ मैं शेयर कर दूंगा जी हवावे वालों का। हवावे मेट 40 प्रो यूजेबल में है, इसकी लुकिंग वगैरह, इसकी कंडीशन वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ, प्राइस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप भाई अक्सर लोकेशन के मुतल पूछते हैं भाई कहाँ पर अवेलेबल है, तो जद्दा फलस्तीन मोबाइल मार्केट जो है जी, आपको जो जद्दा की मशहूर और मरूफ मोबाइल मार्केट है, वहां पर बाई मेन रोड के ऊपर ही जो शॉप्स हैं उनकी, वहां पर एक शॉप है ये अल रवाद इत्सालात, अल रवाद मोबाइल्स, ठीक है। आप किसी से भी वहां पर पूछ सकते हैं, खुद से भी नाम ये पढ़ सकते हैं, आप वहां पर जाकर ये मोबाइल अभी परचेज कर सकते हैं, या और कोई भी आपने लेना हो मेरे चैनल का नाम लेकर, मेरा चैनल या उनको दिखाकर भाई, या मेरी पिक्चर दिखाकर उनसे बात कीजिएगा, वो आपको अच्छी डिस्काउंट भी देंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर हवावे मेट 40 के साथ जी। तो ये रहा आपके सामने हवावे वालों का जिन, हवावे वालों का जिन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मैं। जिन इसे क्यों बोल रहा हूँ भाई, हवावे में पी सीरीज के बाद, यानी कि मेट सीरीज है यार, सबसे बेस्ट यही सीरीज है मेट सीरीज, और इसके बाद पी सीरीज है, और उसके बाद मैं अगर कोई चीज़ लाइक करता हूँ तो वो हवावे वालों की नोवा सीरीज है, वो भी काफ़ी अच्छी लुक। हालांकि नोवा 8 के मुतल आपके साथ वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ जैसा कि पहले। तो ये यूजेबल में है जी हवावे मेट 40 प्रो। आप भाई साथ इसके छोटा सा रिव्यू कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस वगैरह शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर इसके बैक कैमरों के मुतल बात करें तो आपको भाई 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल तीन कैमरों का सेटअप मिल जाएगा। ये फ्लैश लाइट वगैरह, कैमरों का डिज़ाइन देख रहे हैं इसका, कैसे फोल्ड यानी कि घुमाने के टाइप पर रखा गया है रिंग के तौर पर। अच्छा, ये इसका जो डिज़ाइन है ये मेट सीरीज में काफ़ी फेमस रहा है, मेट 30 में भी आपने देखा होगा, मेट 30 प्रो में, और उसके बाद मेट 40 प्रो अभी, और मेट 50 प्रो अभी देखो भाई सऊदी अरब में तो अभी आया नहीं है, तो उसमें क्या दिखाते हैं। बहरहाल कैमरे बिल्कुल ओके हैं, बैक साइड से मोबाइल को मैं घुमाकर आपको दिखा भी रहा हूँ। कलर इसका काफ़ी शाइनिंग है, काफ़ी कलर इसको लाइटिंग की तरफ तो घुमाकर भाई काफ़ी कलर ये दिखाता है। आप देख लें जी, नीचे से स्पीकर गिलिंग चार्जिंग की जगह ये भी बिल्कुल ओके है, रिप्लेसमेंट चार्जिंग वाली जगह बिल्कुल नहीं है जी, ओरिजिनल है जी बिल्कुल वैसे की वैसी। साइडों से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल, लेकिन बैक साइड से स्पीकर गिलिंग जी, स्पीकर गिलिंग बिल्कुल ओके है। साइडें देखना, इसके साइडों से आपको भाई डिस्प्ले इसका मिलेगा, आपको कर्व डिस्प्ले आपको पता ही काफ़ी कर्व के रखा गया है आईफोन मेट 40 में खासकर, तो साइडों पर आपको भाई कर्व डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। ऊपर वाली साइड पर देख रही आप इसमें ये भी यहाँ से भी हो गया, यानी कि नीचे वाली साइड से आप भाई इसमें अपना सिम कार्ड वगैरह और एक नैनो मेमोरी कार्ड भी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स इसका देख रही आपको डाटा केबल और इसका ओरिजिनल चार्जर आपको इसके साथ मिलेगा, ये भी बॉक्स मैंने आपको इसलिए दिखाया है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, और इसके डिस्प्ले के मुतल आपको अगर मैं बता दूँ 6.76 इंच यानी कि 6.7 इंच या 8 इंच का बोल रहे हैं जी, आपको डिस्प्ले मिल जाएगा बड़े टाइप का। तो अगर इसकी भाई बैटरी ओरिजिनल के मुतलक बात करें तो वो आपको 4400 mAh की भाई इसमें ओरिजिनल बैटरी मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर इसमें 5000 की होती, जितना बड़ा ये मोबाइल है और कर्व डिस्प्ले है तो फिर बेस्ट था, लेकिन वेट को देखते हुए भाई कंपनी बहुत कुछ सोचती हैं, तो 4400 mAh की बैटरी इसमें रखी गई है जो कि फिर भी बेस्ट है जी। वन डे तो ईजिली चलता है ये, आप अगर नेट वगैरह इसमें यूज़ भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर स्टोरेज की बात करें तो 256 GB 8 GB रैम में है जी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 256 GB 8 GB रैम में हवावे मेट 40 प्रो यूजेबल में। हालांकि मैं आपके साथ आईफोन की वीडियो काफ़ी शेयर करता रहूँगा, आप भाई मुझे कमेंट करते हैं अक्सर मोबाइल को लेकर, तो जैसे मुझे कोई मिलता है उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस के मुतल, तो ये शॉप वाला इस वक्त इसके भाई 2600 रियाल मांग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि प्यान होपत लैस, वो बोलता भी कन्फर्म है, लेकिन 2500 के राउंड में वो दे देगा। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा ये कितने तक का होना चाहिए। मजीद किसी और वीडियो के मुतल जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।